हे गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज अफसर एंड यू वाचिंग टेक्निकल अफसर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में। सो गाइज, यहाँ पर मुझे मेरे एक वीडियो के ऊपर कमेंट आया मेरे एक सब्सक्राइबर का, जिन्होंने मुझे पूछा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में हमें कुछ बताइए और क्या एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिक्योर है या नहीं है, इसके बारे में भी आप हमें डिटेल दीजिए। सो गाइज, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अफसर शाह 60 सर्च करके भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर 2016 के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर एक फीचर आया जिसका नाम है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। और गाइज, कई सारे लोगों को पता नहीं है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है और किस काम में आता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है वो यहाँ पर इसके काम में आता है। ये एक सिक्योरिटी के लिए है, एक सिक्योरिटी पैच है जिसकी मदद से आपके मैसेजेस को आपके और आपने जिसको सेंड किया है उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं पढ़ सकता है। तो ये है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब। और ये इसलिए आया ताकि आपकी जो चैटिंग है व्हाट्सएप के ऊपर, जो आप वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, बाकी सारी जो आप चीज़ें करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो सारी सेफ रहे। इसलिए व्हाट्सएप के ऊपर एक फीचर को व्हाट्सएप ने 2016 के अंदर इनेबल किया है जिसका नाम है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका यह मतलब है एंड टू एंड, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको मैसेज सेंड किया तो मेरे पास से लेकर आप तक वो मैसेज बिल्कुल इनक्रिप्ट है, बिल्कुल भी डिक्रिप्ट नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ से आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, हेलो। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। सो गाइज, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने किसी के चैट के अंदर एंटर किया तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक लॉक का आइकॉन देखने को मिलता है और यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ आता है मैसेजेस टू दिस चैट एंड कॉल्स आर नाउ सिक्योर्ड विथ एंड टू एंड इंक्रिप्शन, टैप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब कि आपके जो मैसेज और कॉल, जो भी चैट और कॉल है, वो सभी बिल्कुल सिक्योर है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर डिक्रिप्ट नहीं है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। और यहाँ पर इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगा हुआ है, मतलब कि अगर कोई आपके व्हाट्सएप को बीच में से अगर हैक करने की कोशिश भी करेगा तो वो आपके मैसेज को बिल्कुल भी नहीं रीड कर सकता है कि आपने जो सामने वाले को मैसेज सेंड किया उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, या फिर अगर आपने किसी को इमेज सेंड की तो इमेज कौन सी है, ये बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं होता है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप अपने सर्वर के ऊपर भी इन सभी डिटेल को, आपकी जो पर्सनल डिटेल है, जो आपकी चैटिंग है, वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, उसको अपने सर्वर के ऊपर भी सेव नहीं करता है। सो गाइस, यहाँ पर इसके और भी डिटेल के अंदर चलकर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं मैसेज वाले ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ आता है मैसेजेस टू दिस चैट एंड कॉल आर नाउ सिक्योर्ड विथ एंड टू एंड इंक्रिप्शन विच मीन्स व्हाट्सएप एंड थर्ड पार्टीज कांट रीड अवर लिसन टू देम। मतलब कि अगर आपकी जो कॉल है या फिर आपकी जो चैट है वो व्हाट्सएप के ऊपर बिल्कुल सिक्योर है, इसको बल्कि व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता है, और कोई अगर थर्ड बंदा, मतलब कि जैसे हैकर हो गया या फिर कोई एप्लीकेशन हो गई, तो वो भी इसको रीड नहीं कर सकती है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात एक व्हाट्सएप के अंदर है जो आपके चैटिंग को और आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर लेती है। और गाइज, इसका मतलब ये है कि ये आपको हैकिंग से बहुत ज़्यादा बचा लेती है। मान लीजिए अगर आपके चैट को कोई आपके बीच में अगर हैक कर लेता है, जैसे कि आपने किसी को चैट सेंड किया उसके बाद अगर किसी हैकर ने अगर आपकी चैट को बीच में से हैक कर लिया तो वह आपके मैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। तो गाइज, यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल हम व्हाट्सएप के आर्टिकल के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप के आर्टिकल को ओपन किया एंड यहाँ पर आप एनिमेशन के अंदर देख सकते हैं कि जैसे ही आपने हेलो लिखा सो वहाँ पर आपके जो चैट है वहाँ पर हेलो टाइप रहेगा। उसके बाद जैसे आपने उसको सेंड किया तो यहाँ पर उसके अंदर कुछ नंबर, कुछ सिंबल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाएंगी और बिल्कुल भी सामने वाले को नहीं दिखेगा कि आपने उसके अंदर हेलो लिखा है। और अगर जैसे ही आपका मैसेज सामने वाले बंदे को, मतलब कि जिसको आपने मैसेज सेंड किया है, जैसे ही वो उसके पास पहुँचेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दो की इसका यूज़ होता है, एक की आपके पास होती है जो कि पब्लिक की होती है जिसको कोई भी सेंड कर सकता है कुछ भी लिख कर, और एक जो की होती है वो रिसीवर के पास होती है, मतलब कि जो आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है जिसको कहते हैं प्राइवेट की। सो गाइस, जब तक वो मैसेज सामने वाला सीन नहीं करेगा तब तक वो मैसेज इनक्रिप्ट रहेगा, यहाँ तक कि वो व्हाट्सएप को भी पता नहीं रहेगा कि इसके अंदर उसने क्या लिखा हुआ है। और क्या, जैसे वो उस मैसेज के ऊपर टैप करेगा तो वहाँ पर उसको लिखा हुआ दिख जाएगा कि सामने वाले ने मुझे हेलो सेंड किया है या फिर हाई सेंड किया है।
सो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और आप लोगों के मन में से भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो वहम है, क्या सिक्योर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके मन में से भी निकल चुकी होंगी। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।